हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो हम लोग इरविन गॉफमैन के कॉन्सेप्ट कुछ किए थे, कुछ बाकी रह गए थे, उसी को इरविन गॉफमैन पार्ट थ्री में आज हम लोग करेंगे। दो मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो भी हैं, जो अभी तक फिलर फॉर्म जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, आप उनको मेरा रिफरल कोड दे सकते हैं जो कि है अलीम 10, जिसको यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे अप्लीकेबल है। तो फिलर फॉर्म का कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, सो ये रिफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज पे अप्लीकेबल है ये रिफरल कोड। और हमारी जो डेली क्लासेस होती हैं वो 3 PM पे होती हैं। इनकेस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो वो 8 PM पे होती है। ये डेली ऐप का शेड्यूल है हमारा, ठीक। 3 PM डेली हमारा ऐप का शेड्यूल है, यही इसी टाइम पे क्लासेस होंगी। अगर इनकेस नहीं होती हैं तो आप 8 PM तक इंतजार कर सकते हैं। 8 PM पे भी अगर क्लास नहीं होती है तो उस दिन क्लास नहीं होगी। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से अनाउंसमेंट के जरिए अनाउंस कर दिया जाता है कि क्लास की टाइमिंग चेंज है या नहीं, क्लास होगी या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको अनाउंसमेंट के जरिए अनाउंस कर दिया जाता है। हम लोगों ने इरविन गॉफमैन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए थे, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, उन्हीं को आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट रह गए थे। बाकी आप लोग अगर जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था क्लासेज, जो इरविन गॉफमैन की क्लास थी हमारी, तो वो जाके रिकॉर्डेड क्लासेज देख सकते हैं। या अगर रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं देखना चाहते हैं तो PDF अपलोडेड है, आप PDF एक बार देख सकते हैं। बेहतर ये है कि आप पहले रिकॉर्डेड क्लासेज देख लीजिए, उसके बाद PDF देखिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इरविन गॉफमैन पार्ट थ्री। इसमें सबसे पहले सेक्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक। राज के बारे में, सेक्रेट्स यानी कि राज। He described the secret kept by the team in order to be able to cooperate and maintain a performance. एक परफॉर्मेंस को में कोऑपरेशन के लिए और उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए टीम के बीच में एक सीक्रेट होता है, जो उसको हमेशा सीक्रेट ही बनाए रखना होता है, तभी जो है टीम का परफॉर्मेंस सही होगा। अगर आप ऑडियंस को वो सीक्रेट बता देंगे तो फिर वो परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। तो ये कहते हैं कि जो भी टीम होती है परफॉर्मेंस के बीच में, परफॉर्मेंस में जो भी टीम्स होती हैं, उनके कोऑपरेशन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके परफॉर्मेंस के मेंटेनेंस के लिए, कोऑपरेशन के लिए एक सीक्रेट होता है, जिसको सीक्रेट रखना ही जरूरी होता है, ठीक। He described the secret kept by the team in order to be able to cooperate and maintain a performance. वो सहयोग करने और प्रदर्शन को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए टीम द्वारा रखे गए रहस्यों का वर्णन करते हैं। तो राज के जगह पे आप रहस्य भी कह सकते हैं इसको। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी टीम होती है जब भी प्रदर्शन करते हैं,
तो उस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए या उसमें सहयोग के लिए जरूरी है कि जो टीम के बीच में, जो सदस्यों के बीच में जो रहस्य है उसको रहस्य ही रहने दिया जाए, तभी उसका प्रदर्शन बेहतर तरीके से हो सकता है। ये डिफाइंस थ्री टाइप ऑफ सीक्रेट, तीन तरह के सीक्रेट के बारे में इरविन गॉफमैन बात करते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीक्रेट इरविन गॉफमैन हैज टॉक्ड अबाउट। ठीक, या आपको सीक्रेट दिया होगा, बोलेंगे कि इसमें से कौन से टाइप का सीक्रेट है जिन्होंने जिसके बारे में इरविन गॉफमैन ने बात किया है। तो सबसे पहले आता है डार्क सीक्रेट, डार्क सीक्रेट्स यानी कि डार्क रहस्य, डार्क रहस्य, या आप कह सकते हैं गहरा रहस्य। गहरा रहस्य विच मे नेवर बी डिस्क्लोज टू द ऑडियंस रेस्ट ऑफ ट्रस्ट और पेशेंट। सो ये कभी भी ऑडियंस को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, जो डार्क सीक्रेट होता है वो कभी भी ऑडियंस को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, चाहे परफॉर्मेंस हो रही हो नहीं हो रही हो, ऑडियंस को कभी भी इस तरह के सीक्रेट के बारे में नहीं बताया जाता है। रेस्ट ऑफ ट्रस्ट और पेशेंस, ये ट्रस्ट और पेशेंट पे ही डिपेंड करता है। ठीक, डार्क सीक्रेट या गहरा रहस्य क्या होता है? ऐसा रहस्य होता है जो कभी भी दर्शकों के सामने प्रकट नहीं किया जाता है, जो कभी भी दर्शकों के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रदर्शन सही नहीं होगा। ठीक, तो डार्क सीक्रेट ऐसा सीक्रेट है जो दर्शकों के सामने कभी भी नहीं किया जाता है, चाहे कभी भी उसको रिवील नहीं किया जाता है, कभी भी उसको प्रकट नहीं किया जाता है, चाहे प्रदर्शन हो रहा हो चाहे प्रदर्शन ना हो रहा हो, कभी भी नहीं किया जाता है, बाकी भरोसे या मरीजों के लिए, भरोसे या सब्र के लिए, या सब्र के लिए होता है। नेक्स्ट सीक्रेट आता है स्ट्रेटेजिक सीक्रेट। स्ट्रे मतलब क्या होता है? आप किसी गोल को पाने के लिए कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं, तो उसी को स्ट्रेटेजिक सीक्रेट कहा जाता है। ठीक, सो स्ट्रेटेजिक सीक्रेट क्या होता है? विच आर डिस्क्लोज व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड। जब भी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है तो सीक्रेट जो होते हैं उसको डिस्क्लोज कर दिया जाता है। इसके डिस्क्लोज करने से जो परफॉर्मेंस हो चुकी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप डार्क सीक्रेट बता देंगे तो जो परफॉर्मेंस हो चुकी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। तो स्ट्रेटेजिक सीक्रेट है ये है कि जब भी वर्क कंप्लीट हो जाए तो आप इस सीक्रेट को बता सकते हैं, जबकि डार्क सीक्रेट क्या है? वर्क कंप्लीट होने के बाद भी आप उस सीक्रेट को नहीं बता सकते, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक, सामरिक रहस्य क्या होता है? एक ऐसा रहस्य है जो कार्य पूरा करने पर प्रकट होते हैं, यानी कि कार्य पूरा होने के बाद आप इसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि जो गहरा रहस्य है वो कभी भी नहीं कर सकते, चाहे कार्य पूरा हो जाए हो गया हो या ना हुआ हो, आप गहरा रहस्य को कभी भी प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन सामरिक रहस्य को कार्य पूरा होने के बाद आप उसको प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनसाइड सेक्रेट। इनसाइड सेक्रेट्स विच डिफाइन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बट विच आर नीदर डार्क नॉर स्ट्रेटेजिक। ये एक ऐसे सीक्रेट होते हैं जो ग्रुप के मेंबर को डिफाइन करते हैं, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप को ये डिफाइन करते हैं, ना ही ये डार्क सीक्रेट होते हैं और ना ही ये स्ट्रेटेजिक सीक्रेट होते हैं। ठीक, ये सिर्फ मेंबर को डिफाइन करते हैं, जो वहां के उस ग्रुप के मेंबर होते हैं, उस टीम के जो मेंबर होते हैं उनको ही डिफाइन करते हैं ये इनसाइड सीक्रेट, ना ही ये डार्क सीक्रेट होते हैं और ना ही ये स्ट्रेटेजिक सीक्रेट होते हैं। अंदरूनी रहस्य जिसको कहा जाता है, कि अंदरूनी रहस्य वो रहस्य है जो समूह के सदस्यों को परिभाषित करते हैं। तो एक ऐसा रहस्य है जो समूह के सदस्यों को परिभाषित करते हैं, लेकिन जो ना तो अंधेरे हैं, यानी कि जो ना तो सामरिक हैं और ना ही गहरे रहस्य हैं। ये ना ही सामरिक रहस्य हैं, ना ही गहरे रहस्य हैं, ना ही सामरिक रहस्य हैं और ना ही ये गहरे रहस्य हैं। अंदरूनी रहस्य जो है ना ही सामरिक रहस्य होते हैं और ना ही गहरे रहस्य होते हैं। ये सिर्फ जो भी समूह के सदस्य हैं उसी को परिभाषित करने के लिए
होते हैं। तो ये तीन तरह के सीक्रेट के बारे में बात किया है इरविन गॉफमैन ने। पहला है डार्क सीक्रेट, दूसरा है स्ट्रेटेजिक सीक्रेट एंड तीसरा है इनसाइड सीक्रेट। पहला है गहरा रहस्य, दूसरा है सामरिक रहस्य और तीसरा है अंदरूनी रहस्य। ठीक, तो ये तीनों रहस्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। गॉफमैन आल्सो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंटरेस्टेड एंड फ्री सीक्रेट। तो गॉफमैन ने जो है इंटरेस्टेड एंड फ्री सीक्रेट के बारे में भी बात किया है, इन दोनों के बीच में भी डिस्टिंग्विश किया है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है कि इंटरेस्टेड सीक्रेट्स क्या होते हैं या फ्री सीक्रेट्स क्या होते हैं। विच आर टू डू विद अ काइंड ऑफ सीक्रेट्स आर इंडिविजुअल हैज इन रिलेशन टू हिज टीम। ठीक, ये भी जो है काइंड ऑफ सीक्रेट है जो एक इंडिविजुअल जो है एक सीक्रेट बनाए रखता है। ठीक, गॉफमैन के द्वारा गॉफमैन सौंपे गए और मुक्त रहस्य के बीच भी अंतर करते हैं। सौंपे गए रहस्य और मुक्त रहस्य दोनों के बीच में अंतर करते हैं। ठीक, जो किसी व्यक्ति के अपने टीम के संदर्भ में उस तरह के रहस्यों को संबंधित होते हैं, रहस्यों से संबंधित होते हैं, यानी कि जो भी टीम के सदस्य होते हैं वो इस तरह के रहस्य से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के सीक्रेट हैं, एक है इंटरेस्टेड सीक्रेट और दूसरे है फ्री सीक्रेट। ठीक, सौंपे गए रहस्य और मुक्त रहस्य। तो ये याद रखना है कि तीन सीक्रेट्स के बारे में तो बात किया है, लेकिन दो और सीक्रेट के बारे में उनके बीच में अंतर भी बताया है, इंटरेस्टेड सीक्रेट्स एंड फ्री सीक्रेट्स, यानी कि सौंपे गए रहस्य और मुक्त रहस्य के बारे में भी इरविन गॉफमैन ने बात किया है। ठीक, इंटरेस्टेड सीक्रेट्स क्या होते हैं देखते हैं वन बाय वन, इंटरेस्टेड सीक्रेट्स क्या होते हैं या फ्री सीक्रेट्स क्या होते हैं। इंटरेस्टेड सीक्रेट्स आर दोज विच if not kept by an individual would discredit both himself and his team if not kept। yani ki ek aise secrets hote hain jinko chupaya agar na jaye to ye puri team ko aur usko bhi badnaam kar sakte hain, discredit kar sakte hain। theek, so ye entrusted secret ek aisa secret hota hai jisko kept rakhna bahut zaruri hota hai kyunki ye individual aur uski puri team ko bhi डिसक्रेडिट कर सकता है, बदनाम कर सकता है। ठीक, सौंपे गए रहस्य क्या होते हैं, एक ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें यदि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं रखा जाता है, यानी कि अगर ये रहस्य बनाए ना रखा जाए किसी व्यक्ति द्वारा तो वो उस व्यक्ति की और उसकी टीम दोनों को बदनाम कर देगा। ठीक, तो एक ऐसे रहस्य होते हैं जो बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना जरूरी होता है, उसको प्रकट ना होने देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया और रहस्य खुल गया, रहस्य के बारे में लोगों को पता चल गया, तो क्या होगा कि ये पूरी टीम को बदनाम कर देंगे और उस व्यक्ति को भी बदनाम कर देंगे जिसके जरिए ये सीक्रेट्स पता चल रहे हैं। ठीक, सो ये कहते हैं इंटरेस्टेड सीक्रेट। एंड फ्री सीक्रेट्स क्या होते हैं, वो डिस्क्रेडिट द टीम बट नॉट द इंडिविजुअल इफ नॉट फिट। ये सिर्फ टीम को डिस्क्रेडिट करेगा, यानी कि बदनाम करेगा, लेकिन ये इंडिविजुअल को नहीं करेगा। तो अगर दोनों को कर रहा है तो ये इंटरेस्टेड सीक्रेट्स होंगे, और सिर्फ टीम को कर रहा है, इंडिविजुअल को नहीं कर रहा है, तो ये फ्री सीक्रेट्स कहलाते हैं। ठीक, सो फ्री सीक्रेट्स क्या है, कैसे सीक्रेट्स हैं जो अगर छुपाए ना गए तो ये पूरी टीम को बदनाम कर देंगे, लेकिन इंडिविजुअल को इंडिविजुअली नहीं बदनाम करते। ठीक, फ्री सीक्रेट्स यानी कि मुफ्त या कह सकते हैं स्वतंत्र ही इसका असल वर्ड होगा, मुक्त नहीं होगा, स्वतंत्र रहस्य। स्वतंत्र रहस्य क्या होते हैं, एक ऐसे रहस्य होते हैं जो अगर टीम द्वारा छुपाया ना गया, यानी कि व्यक्ति द्वारा छुपाया नहीं गया, तो ये पूरी टीम को बदनाम कर देंगे, लेकिन व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बदनाम नहीं करते। ठीक, जबकि जो इंटरेस्टेड सीक्रेट्स हैं, यानी कि सौंपे गए रहस्य हैं, ये अगर पता चल गए तो ये टीम के साथ साथ इंडिविजुअल को भी बदनाम कर देंगे, जबकि फ्री सीक्रेट्स यानी कि स्वतंत्र रहस्य जो है ये इंडिविजुअल को नहीं बदनाम करते हैं, ये कभी भी एक व्यक्ति को नहीं बदनाम करते हैं, एक इंडिविजुअल को नहीं बदनाम करते हैं, बल्कि पूरी टीम को बदनाम करते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रैक्शन ऑर्डर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो इरविन गॉफमैन ने दिया था। इंट्रैक्शन ऑर्डर ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो इरविन गॉफमैन ने दिया था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड।
इरविन गॉफमैन मीन्ड हिज सोशियोलॉजी टू बी अ जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन, यानी कि ह्यूमन इरविन गॉफमैन क्या मानते थे कि उसकी जो सोशियोलॉजी है वो एक जेनरिक फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी के डेफिनेशन उन्होंने बताया है कि सोशियोलॉजी इज अ जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन। सोशियोलॉजी क्या है? एक जेनरिक फ्रेमवर्क है ह्यूमन इंट्रैक्शन को समझने के लिए दैट वुड होल्ड फॉर फेस टू फेस एग्जिस्टेंस एवरीवेयर। जो क्या हो सकता है? फेस टू फेस एग्जिस्टेंस होता है हर जगह पे, जहाँ पे फेस टू फेस एग्जिस्टेंस होगा वहीं पे इंट्रैक्शन होगा। ठीक, तो ये फेस टू फेस यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है एवरीवेयर, ठीक, इसी को इन्होंने इंट्रैक्शन ऑर्डर कहा। इरविन गॉफमैन मीन्स हिज सोशियोलॉजी टू बी अ जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन दैट वुड होल्ड फॉर फेस टू फेस एग्जिस्टेंस एवरीवेयर। इरविन गॉफमैन का अर्थ था, यानी कि उनका ये मानना था कि उनका समाजशास्त्र, यानी कि एक तरह से ये समाजशास्त्र को परिभाषित कर रहे हैं, उनका समाजशास्त्र क्या है? मानव अंततः क्रिया को समझने के लिए एक सामान्य ढांचा है। ठीक, मानव अंततः क्रिया को समझने के लिए एक सामान्य ढांचा है जो हर जगह आमने सामने अस्तित्व के लिए धारण करेगा। ठीक है, जो हर जगह क्या है? अस्तित्व के लिए आमने सामने धारण करता है। So, इसी को कहा है इरविन गॉफमैन ने इंट्रैक्शन ऑर्डर। फोकस इंट्रैक्शन अ कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू द कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटिंग ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन। तो एक फोकस इंट्रैक्शन का टर्म यूज किया है इरविन गॉफमैन ने, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोकस्ड इंट्रैक्शन का टर्म जो है ये इरविन गॉफमैन ने यूज किया है। फोकस ग्रुप डिस्कशन का टर्म किसने यूज किया है, आप बताइए? फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन का टर्म किसने यूज किया है? फोकस इंट्रैक्शन ये तो इरविन गॉफमैन का है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अप्लाइड टू द कोऑर्डिनेटिंग ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन, जहां पे भी फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है उसी को फोकस इंट्रैक्शन कहा जाता है। बाय टू और मोर एक्टर, जहां पे दो या दो से ज्यादा एक्टर फेस टू फेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसको फोकस इंट्रैक्शन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इरविन गॉफमैन। केंद्रित बातचीत, केंद्रित बातचीत दो या दो से अधिक अभिनेताओं द्वारा आमने सामने बातचीत के समन्वय के लिए एक अवधारणा लागू करती है। यानी कि केंद्रित बातचीत क्या है? एक ऐसी बातचीत है जब दो या दो से ज्यादा लोग जो है आमने सामने मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इसी को केंद्रित बातचीत कहा जाता है। इरविन गॉफमैन ने केंद्रित बातचीत को इस तरह से डिफाइन किया है। नेक्स्ट आता है अनफोकस्ड इंट्रैक्शन। तो एक तो फोकस इंट्रैक्शन हो गया, एक हो गया अनफोकस्ड इंट्रैक्शन। तो फोकस इंट्रैक्शन, अनफोकस्ड इंट्रैक्शन, ये दोनों इंट्रैक्शन के बारे में इरविन गॉफमैन ने ही बात किया है। इंट्रैक्शन का हिंदी में होता है बातचीत। बातचीत, ठीक, इंट्रैक्शन की हिंदी होती है बातचीत। अनफोकस्ड इंट्रैक्शन क्या होता है? द इंट्रैक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन पीपल हु आर फिजिकली को प्रेजेंट बट इंगेज इन सेपरेट एक्टिविटीज। एक ऐसा अनफोकस्ड इंट्रैक्शन, एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जहां पे लोग फिजिकली तो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं लेकिन दोनों अपने अपने अलग अलग काम में इंगेज होते हैं। ठीक, द इंट्रैक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन पीपल वो आर फिजिकली को प्रेजेंट, फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। ठीक, जैसे आप क्लास में जब होते हैं तो फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है, बाहर मार्केट में घूम रहा होता है, सिनेमा हॉल में घूम रहा होता है। तो इस तरह के जो फिजिकल प्रेजेंस है इस तरह के इंट्रैक्शन को अनफोकस्ड इंट्रैक्शन कहा जाता है। किसी एक सेपरेट एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली वहां पे सारे लोग प्रेजेंट होते हैं लेकिन किसी दूसरी दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी को अनफोकस्ड इंट्रैक्शन कहा जाता है। फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों में आप फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक, फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग यानी कि अलग अलग चीजों में आप फोकस करते हैं।
फिजिकली तो सब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों पे आप फोकस करते हैं, तो इसी को अनफोकस्ड इंट्रैक्शन कहा जाता है। वो इंट्रैक्शन यानी कि वो बातचीत, वो अंततः क्रिया जो बीच में होती है, ठीक, वो लोग जो शारीरिक रूप से, जो उनके बीच में होती है, जो शारीरिक रूप से सह उपस्थित होते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से तो एक साथ उपस्थित होते हैं लेकिन अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए होते हैं, लेकिन ये अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए होते हैं और अलग अलग गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, तो इसी को कहा जाता है अनफोकस्ड बातचीत, या हिंदी में अनफोकस को क्या कहते हैं, एक मिनट बता रहे थे, देखना पड़ेगा मुझको। विकेंद्रित, एक फोकस को कहते हैं केंद्रित और अनफोकस को कहते हैं विकेंद्रित। विकेंद्रित अंतता क्रिया या विकेंद्रित बातचीत, ठीक। सो विकेंद्रित बातचीत क्या होती है, कैसी बातचीत होती है, उन लोगों के बीच में ये बातचीत होती है जो शारीरिक रूप से सह उपस्थित होते हैं, शारीरिक रूप से एक साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अलग अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग गतिविधियों में उनका ध्यान होता है और वो अलग अलग चीजें करते हैं, इसीलिए इसको विकेंद्रित बातचीत कहा जाता है, विकेंद्रित अंततः क्रिया कहा जाता है, ठीक। तो फोकस इंट्रक्शन एंड अनफोकस इंट्रक्शन हम लोग देख चुके हैं। तीसरे टाइप का इंट्रक्शन है स्ट्रेटेजिक इंट्रक्शन, ठीक। तीसरे टाइप का इंट्रक्शन है स्ट्रेटेजिक इंट्रक्शन, ये क्या होता है, टू डिस्क्राइब दोज game like events in which each player situation is fully dependent on the move of his opponent and which each player knows this and has the wit to use his awareness, ठीक। तो एक तरह से अगर मैं ये इसका example दूं, तो जब आपने कभी ना कभी chess खेला होगा तो आपका अगला move क्या होगा ये depend करता है कि आपका opponent जो है वो उसका मूव क्या है, उसका अभी मूव क्या है, उसने कौन सी चाल चली है, उस पे डिपेंड करती है कि अगली चाल आपकी क्या होगी। इसी को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शन, यानी कि इंट्रैक्शन में आप देखते हैं कि आपका को प्लेयर जो है, आपके साथ जो अपोनेंट प्लेयर है, वो कैसा मूव कर रहा है, वो कैसे एक्शन कर रहा है, किस तरह से इंट्रैक्शन कर रहा है, उसी हिसाब से आप भी करते हैं, तो इसी को स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शन कहा जाता है। एक गेम लाइक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए इरविन गॉफमैन ने ये स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें ये कहते हैं कि आपका जो आपकी जो सिचुएशन है, आप सिचुएशन के हिसाब से तय करते हैं कि आपको किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से आपको मूव करना है, तो आपका मूव डिपेंड करता है कि आपके अपोनेंट का मूव क्या हो रहा है, ठीक। और आपको पता होता है कि अगर आप ये मूव कर रहे हैं, या आपके अपोनेंट को भी पता होता है कि आप ये मूव करने वाले हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रेटेजिक सीक्रेट्स में आती हैं, एक गेम लाइक सिचुएशन को बताने के लिए इरविन गॉफमैन ने स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शन का टर्म यूज किया है, ठीक। उन खेल जैसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए रणनीतिक बातचीत या रणनीतिक अंततः क्रिया का उपयोग किया है इरविन गॉफमैन ने, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी की स्थिति पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी की चाल पर निर्भर होती है, यानी कि हर व्यक्ति की, हर खिलाड़ी की स्थिति क्या होती है, उसका जो प्रतिद्वंदी है वो कैसी चाल चलेगा, उस पे डिपेंड करता है कि उस खिलाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक। जैसे आप जब चेस खेलते हैं तो आपकी अगली चाल क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि अभी जो आपके अपोनेंट है, जो प्रतिद्वंदी है, वो कैसी चाल चल रहा है, ठीक। सो यही चीज को, इसी गेम जैसी सिचुएशन को बताने के लिए या खेल जैसी घटनाओं को बताने के लिए इरविन गॉफमैन ने रणनीतिक बातचीत या रणनीतिक अंततः क्रिया शब्द का इस्तेमाल किया है, इसकी अवधारणा का उपयोग किया है, ठीक, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी ये जानता है और अपनी जागरूकता का उपयोग करने की वृद्धि रखता है, ठीक। तो प्रत्येक खिलाड़ी ये जानता है कि आपका मूव क्या हो सकता है और किस लिए हो सकता है, और आपको उसकी समझ भी होती है, उपयोग करने की बुद्धि भी होती है आपके पास,
उस चाल को उपयोग करने की बुद्धि भी आपके पास होती है। नेक्स्ट आता है इंट्रैक्शन रिचुअल। इंट्रैक्शन रिचुअल का भी टर्म इरविन गॉफमैन ने दिया था। आई स्टडी ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन इन नेचुरल सेटिंग। तो इंट्रैक्शन रिचुअल क्या है? स्टडी ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन इन नेचुरल सेटिंग। जब आप नेचुरल सेटिंग में फेस टू फेस इंट्रैक्शन करते हैं तो उसी को इंट्रैक्शन रिचुअल कहा जाता है। दैट क्लास ऑफ इवेंट्स विच अकर्स ड्यूरिंग को प्रेजेंस एंड बाय वर्चू ऑफ को प्रेजेंस। ठीक, मीन्स जिस टाइम पे कोई भी इवेंट हो रहा है, जिस टाइम पे कोई चीज हो रही है, उसी में ही आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है इंट्रैक्शन रिचुअल। आई स्टडी ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन इन नेचुरल सेटिंग दैट क्लास ऑफ इवेंट्स विच ऑकर्स ड्यूरिंग कोपरजेंस एंड बाय वर्चू ऑफ कोपरजेंस। ठीक, प्राकृतिक सेटिंग में आमने सामने की बातचीत का अध्ययन, घटनाओं का वो वर्ग जो सह उपस्थिति के दौरान और सह उपस्थिति के आधार पर होता है। ठीक, सो आमने सामने जो बातचीत होती है, ऐसी घटनाओं का अध्ययन करना, ठीक, जो सह उपस्थिति के दौरान होती है या सह उपस्थिति के आधार पर होती है, ऐसी चीजों का अध्ययन करना इंट्रैक्शन रिचुअल कहलाता है। ठीक, गुड आफ्टरनून। ठीक, बहुत लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिविल इन अटेंशन। सिविल इन अटेंशन ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो इरविन गॉफमैन से ही रिलेटेड है। सिविल इन अटेंशन इज द प्रोसेस वेयर बाय स्ट्रेंजर हु आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी डिमोन्स्ट्रेट दैट दे आर अवेयर ऑफ वन अनदर विदाउट इम्पोजिंग ऑन ईच अदर। अ रिकॉग्निशन ऑफ द क्लेम ऑफ अदर टू अ पब्लिक स्पेस एंड ऑफ देयर ओन पर्सनल बाउंड्रीज। यानी कि आप एक भीड़ है, उस भीड़ में आप खड़े होते हैं, आपको पता होता है कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ठीक, लोग बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको पता होता है। ठीक, तो यही चीज कहलाती है सिविल इन अटेंशन। ठीक, सिविल इन अटेंशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है वेयर बाय स्ट्रेंजर हु आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो एक अजनबी है जो आपकी एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, डिमोन्स्ट्रेट दैट दे आर अवेयर ऑफ वन अनादर, वो एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं कि वो वहां पे मौजूद है। ठीक, इरविन गॉफमैन के बारे में पढ़ रहे हैं लोग अभी। विदाउट इम्पोजिंग ऑन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बताए हुए भी आप ये जान रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। अ रिकॉग्निशन ऑफ द क्लेम ऑफ अदर टू अ पब्लिक स्पेयर, यानी कि एक इस पब्लिक स्पेयर पे आप भी हैं, इसका क्लेम जो है, इसका रिकॉग्निशन जो है सिविल इन अटेंशन कहलाता है, एंड ऑफ देयर ओन पर्सनल बाउंड्रीज। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं सिविल इन अटेंशन में। जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सिविल इन अटेंशन का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है। सो इट इज इरविन गॉफमैन। ठीक, नागरिकता असावधानी क्या है? नागरिक असावधानी, यानी कि नागरिक असावधानी या नागरिकता असावधानी कह सकते हैं आप उसको, नागरिक असावधानी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अजनबी जो निकटता में है, यानी कि अजनबी जो आपके निकट है, जो आपके आसपास मौजूद है, ये प्रदर्शित करते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ये प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे पर थोपे बिना। ठीक, सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के दावों की मान्यता को स्वीकार करते हैं और अपनी निजी सीमाओं के बारे में जानते हैं। हमारी निजी सीमा क्या होगी इसके बारे में भी जानते हैं, दूसरों के दावे क्या हो सकते हैं सार्वजनिक स्थान पे ये भी जानते हैं। ठीक, और ये भी जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, तो इसी को नागरिक असावधानी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाई साइन। टाई साइन का कॉन्सेप्ट ये भी इरविन गॉफमैन से रिलेटेड है। टाई साइन और साइन, ये क्या है? एक साइन है। ठीक, टाई साइन क्या है? एक साइन है, सिग्नल है, सिंबल्स हैं दैट आर रिवील्ड थ्रू पीपल्स एक्शन, जो कैसे रिवील होते हैं, जो कैसे नजर आते हैं, पीपल्स एक्शन के जरिए, पीपल एक्शन के जरिए आप टाई साइन को समझ सकते हैं। टाई साइन एक सिग्नल है, एक साइन है, एक सिंबल है। ठीक, एज वेल एज ऑब्जेक्ट, और ह्यूमन एक्शन के जरिए, पीपल्स के एक्शन के जरिए या ऑब्जेक्ट के जरिए आप इन साइंस को पहचान सकते हैं, सच एज इंगेजमेंट रिंग। जैसे एक इंगेजमेंट रिंग है, अगर किसी के हाथ में आपने
इंगेजमेंट रिंग देख लिया, तो ये साइन टाई साइन है किसका? इंगेजमेंट का। आप समझ जाएंगे कि इसकी शादी होने वाली है, इसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, वो रिंग आपको ये साइन दे रही है। ठीक, वो रिंग आपको ये साइन बता रही है, जैसे वरमाला है। ठीक, अगर किसी के गले में वरमाला डली हुई है, इसका मतलब उसकी शादी हो चुकी है और जल्दी ही हुई है। ठीक, अभी 1-2 घंटे ही हुए हैं। ठीक, इस तरह से आप समझ पाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? टाई साइन है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, जिसके जरिए आप बहुत सारी चीजों को पता लगा सकते हैं। जैसे दो कपल हैं, अगर किसी आग के चारों तरफ 7 फेरे लगा रहे हैं, तो आप ये टाई साइन है मैरिज का, कि मतलब वहां पे शादी हो रही है। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। इंगेजमेंट रिंग भी एक तरह का टाई साइन है। वेडिंग बैंड्स आते हैं जो हाथ में पहने जाते हैं। फोटोग्राफ्स ऑफ अ पर्सनल नेचर, पर्सनल नेचर के जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो, दैट सजेस्ट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू पीपल्स, ये सारी चीजें बताते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, और वो किस तरह का रिलेशनशिप है ये बताते हैं। ठीक, सो ये सारी चीजें आ जाती हैं टाई साइन, जो दूसरी चीजों को बताते हैं कि ये किसका, इसका मतलब क्या है। अगर किसी के हाथ में एंगेजमेंट रिंग है, यानी कि उसकी शादी होने वाली है और एंगेजमेंट हो चुकी है। वेडिंग बैंड है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है। इस तरह से बहुत सारे टाई साइंस हमारे सोसाइटी में होते हैं। ठीक, तो साइन, टाई साइन आर अ साइन सिग्नल सिंबल्स दैट आर रिवील्ड थ्रू पीपल्स एक्शन एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स सच एज एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग बैंड्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ अ पर्सनल नेचर दैट सजेस्ट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू पीपल, जो ये बताते हैं कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है और कैसा रिलेशनशिप है। टाई संकेत, टाई संकेत क्या है? एक ऐसा संकेत है, एक संकेत है, एक प्रतीक है, जो लोगों के कार्यों के साथ साथ वस्तुओं जैसी वस्तुएं, जैसे कि सगाई के छल्ले, शादी के बैंड, सगाई के छल्ले नहीं होगा यहाँ पे, अंगूठी होगा। सगाई की अंगूठी, शादी के बैंड और व्यक्तिगत प्रकृति की तस्वीरों के माध्यम से प्रकट होते हैं, जो दो लोगों के बीच में संबंध का सुझाव देते हैं। यानी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं, कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं, जो बहुत सारी चीजों का अर्थ बताते हैं। जैसे अगर किसी के हाथ में सगाई की अंगूठी है, इसका मतलब कि उसकी शादी होने वाली है और सगाई हो चुकी है। ठीक, शादी के बैंड, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है। इसी तरह से बहुत सारे संकेत हमारे समाज में होते हैं, जो बहुत सारे अर्थ बताते हैं, जिसको देखकर ही आप समझ जाते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। ठीक, अगर दो लोगों के बीच में, दो लोगों के गले में वरमाला डली हुई है, यानी कि आप उसको देख के बता सकते हैं कि दोनों की शादी हो चुकी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है साइनिकल परफॉर्मर। अ साइनिकल परफॉर्मर, साइनिकल कहते हैं जो बहुत खराब परफॉर्मर हो, जो अच्छा परफॉर्म ना कर पाता हो। अ साइनिकल परफॉर्मर इज वन हु मे बी मूव्ड टू गाइड द कन्विक्शन ऑफ दिस ऑडियंस ओनली एज अ मीन टू अदर एंड्स, हैविंग नो अल्टीमेट कंसर्न इन द कंसेप्शन दैट दे हैव ऑफ हिम आर ऑफ द सिचुएशन। ठीक, यानी कि साइनिकल परफॉर्मेंस ऐसी है जो इज वन हु मे बी मूव्ड टू गाइड, जो कि जिसको मूव किया जा सकता है गाइड के लिए। द कन्विक्शन ऑफ दिस ऑडियंस ओनली एज अ मीन्स टू अदर एंड, ठीक, एक ऐसा मीन है किसी एंड को पाने के लिए। हैविंग नो अल्टीमेट कंसर्न इन द कंसेप्शन दैट दे हैव ऑफ हिम और ऑफ द सिचुएशन। ठीक, कोई भी चीज के बारे में उनको नहीं पता होता है, ना ही सिचुएशन के बारे में पता होता है। एक निंदक कलाकार क्या होता है? निंदक से आप समझ गए होंगे कि ऐसा कलाकार जिसकी निंदा की जाती हो। तो कौन से कलाकार की निंदा करेंगे आप? जो कलाकार सही ना हो, जो सही तरीके से कला ना दिखा पाता हो। एक निंदक कलाकार वो होता है जो केवल दूसरों के सिरों के लिए एक साधन के रूप में इस दर्शकों के दृढ़ विश्वासों को निर्देशित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक, तो यानी कि ये सिर्फ दर्शकों के दृढ़ विश्वासों को निर्देशित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बहुत अच्छा कलाकार ये नहीं होता। इस धारणा में कोई अंतिम चिंता नहीं। ठीक, इस धारणा में कोई भी अंतिम चिंता नहीं होती है। और उसके पास ये स्थिति है। तो ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ उसका, आप लोग देख लीजिए कि क्या होता है एक निंदक कलाकार। वैसे जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वह यही पूछा जाता है कि निंदक कलाकार की जो धारणा है वो किसने दिया था। तो इसको बस जनरली आप ये समझिए कि ये दर्शकों के सामने तो होती है लेकिन ये सही तरीके से कलाकारी नहीं कर पाते, इसीलिए उनको निंदक कलाकार कहते हैं। जिनके सेक्रेट्स लोगों को पता चल जाए ठीक उसी को निंदक कलाकार कहा जाता है। अब बुक्स देख लेते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। इरविन गॉफमैन की बुक्स कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इसके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी देखे हैं जो 1956 में पब्लिश हुए थे। असाइलम, असाइलम भी एक कॉन्सेप्ट है जो इरविन गॉफमैन ने बताए हैं। एसे ऑन द सोशल सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट एंड अदर इनमेट्स 1961 में पब्लिश हुए थे। इनकाउंटर्स टू स्टडीज इन द सोशोलॉजी ऑफ इंट्रैक्शन, एक एनकाउंटर्स टू स्टडीज, एनकाउंटर्स भी एक कॉन्सेप्ट है इनका। तो जनरली जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड बुक्स भी हैं। टू स्टडीज ऑफ सोशोलॉजी ऑफ इंट्रैक्शन 1961 में पब्लिश हुई थी। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस 1963 में पब्लिश हुई थी। इंट्रैक्शन रिचुअल 1967, इंट्रैक्शन रिचुअल भी एक क्या है कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक 1967 में पब्लिश हुई थी ये। फ्रेम एनालिसिस, फ्रेम के बारे में, दो टाइप के फ्रेम के बारे में, नेचुरल फ्रेम एंड सोशल फ्रेम के बारे में बात किया है इरविन गॉफमैन ने। तो फ्रेम एनालिसिस भी इनका ही कॉन्सेप्ट है। एन एसे ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस 1974 में पब्लिश हुई थी। जेंडर एडवर्टीजमेंट 1976 में पब्लिश हुई थी। फॉर्म्स ऑफ टॉक 1981 में पब्लिश हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। स्टिग्मा, स्टिग्मा भी एक कॉन्सेप्ट है इरविन गॉफमैन का, इसी के नाम से एक बुक भी है। नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी जो 2009 में पब्लिश हुई थी। तो ये बुक्स सारे आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी बुक इरविन गॉफमैन की है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग इरविन गॉफमैन के सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। पांच क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद क्लास को लीव करेंगे। सो बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर वन। हु रोट द बुक, ये क्वेश्चन जो हम लोग थिंकर को, जिन थिंकर्स को कर चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और आंसर इस तरह से देना है जैसे अगर सिक्स का ए सही है तो सिक्स ए, इस तरह से आप आंसर देंगे। तो हु रोट द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर डाल के आपको आंसर करना है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। हु रोट द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, होमांस मीड, गिडेंस, ग्राम्स्की। होमांस मीड, गिडेंस, ग्राम्स्की। सब लोगों को आंसर करना है, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है सबको आंसर करना है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए। हु रोट द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, होमांस मीड, गिडेंस, ग्राम्स्की। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, उसके लेखक कौन है। होमांस मीड, गिडेंस एंड ग्राम्स्की, फास्ट आंसर करिए, आंसर फास्ट। पांच क्वेश्चन करने हम लोगों को। सो हू रोट द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, रिटिश बाई जी एच मीड। ठीक, ये उल्टा हो गया है क्या, बी सी। ठीक, जी एच मीड की बुक है ये। ठीक, जी एच मीड, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इज अ बुक बाई जी एच मीड। ठीक, बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइंड सोसाइटी एज यूनियन इन इटसेल्फ, किसने जो है सोसाइटी को एज यूनियन इन इटसेल्फ बताया है। निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वयं में संघ के रूप में परिभाषित किया है, यानी कि समाज स्वयं के स्वयं में एक संघ है, इस तरह से परिभाषित किसने किया है समाज को। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड डिफाइंड सोसाइटी एज यूनियन इन इटसेल्फ, गिडिंग्स, ए डब्ल्यू ग्रीन, आर एम मैकाइवर, जॉन एफ क्यूबर।
गेडिंस एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू ग्रीन, हरा नहीं होगा, ग्रीन होगा ये। आर एम मिकाइवो, जॉन एफ क्यूबा। आंसर फर्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइंड सोसाइटी एज यूनियन इन इटसेल्फ। निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वयं के संघ के रूप में परिभाषित किया है? निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वयं के संघ के रूप में परिभाषित किया है? आंसर फास्ट, और जितने लोगों ने ज्वाइन किया है सब आंसर करें। 2A, 2A, 2A। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गिडिंस, दैट इज गिडिंस हैज डिफाइंड सोसाइटी एज यूनियन इन इटसेल्फ। गिडिंस हैज डिफाइंड सोसाइटी एज यूनियन इन इटसेल्फ। ठीक, गिडिंस ने समाज को स्वयं के संघ के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द टर्म लैंग्वेज एंड पैरोल यूज बाय, लैंग्वेज एंड पैरोल का जो टर्म है वो किसने यूज किया है? लैंग्वेज एंड पैरोल का शब्द जो है वो किसने इस्तेमाल किया है? क्लॉड लेविस्ट्रॉस, पियर बार्डो, हेरोल्ड गॉर्फिंकल, अल्फर्ट सोश। क्लॉड लेविस्ट्रॉस, पियर बार्डो, हेरोल्ड गॉर्फिंकल, अल्फर्ट सोश, किसने जो है लैंग्वेज एंड पैरोल का वर्ड्स इस्तेमाल किया है, शब्द इस्तेमाल किया है? द टर्म लैंग्वेज एंड पैरोल यूज बाय किसने यूज किया है? आंसर फास्ट, हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चंस, मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो गलत आंसर नहीं आने चाहिए। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लॉड लेविस्ट्रॉस। क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने ही लैंग्वेज एंड पैरोल का टर्म जो है वो यूज किया है। लैंग्वेज एंड पैरोल का शब्द जो है वो क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने यूज किया है। ठीक, पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोग पढ़िए, ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही आंसर आएंगे आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हु क्लासिफाइड सोशल कंट्रोल इंटू टू टाइप, सोशल कंट्रोल को किसने क्लासिफाई किया है दो टाइप में? डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। किसने सामाजिक नियंत्रण को दो प्रकारों में बांटा है? प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण एंड अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। डकिन, ईएस हेज, ई ए रॉस, मैनहीम। डकिन, ईसी हेज, ई ए रॉस, मैनहीम। हु क्लासिफाइड सोशल कंट्रोल इंटू टू टाइप्स, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। किसने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा है? प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण एंड अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। पढ़ चुके हैं हम लोग इसको भी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम हैज क्लासिफाइड सोशल कंट्रोल इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। पीडीएफ में आपके है, कार्ल मैनहीम जो हम लोगों ने क्लास की थी उसकी पीडीएफ आप देखेंगे, उसमें दिया हुआ है। ठीक, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल इज क्लासिफाइड बाई कार्ल मैनहीम। ठीक, सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में कार्ल मैनहीम ने बांटा है, प्रत्यक्ष समाजीकरण एंड अप्रत्यक्ष समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। अल्फर्ट सोश इज नोन एज डैश सोशियोलॉजिस्ट। अल्फर्ट सोश को कौन से सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है? अफ्रीकन अमेरिकन, नियो मार्क्सियन, पोस्ट मॉडर्न, फेनोमेनोलॉजिकल। अल्फर्ट सोश को एक
डैश समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। अफ्रीकी अमरीकी नव मार्क्सवादी उत्तर आधुनिक और घटनात्मक। पीडीएफ आपने जो कोर्स बाय किया है उसी पे क्लिक करेंगे ऐप में, वहां पे कंटेंट का ऑप्शन आएगा। कंटेंट में ऑप्शन आएगा आपके जून 2024, उसमें जाएंगे। उसमें आपने अगर दो कोर्स खरीदे होंगे, पेपर वन पेपर टू, तो आपको पेपर टू सेलेक्ट करना है। पेपर टू सेलेक्ट करने के बाद आपका यूनिट वन आएगा, क्योंकि अभी हम लोग यूनिट वन कर रहे हैं। यूनिट वन आप खोलेंगे, उसमें सारी पीडीएफ जितनी भी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं वो आपको मिल जाएगी। इन केस अगर आपको ये पाने में कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे ये प्रोसेस यही है कि आपने जो कोर्स बाय किया है उस पर क्लिक करिए, उस पर कॉन्टेंट में जाइए, कॉन्टेंट में जून 24 पे जाइए, वहां पे पेपर टू सेलेक्ट करिए। पेपर टू में आपको यूनिट वन मिलेगी, यूनिट वन में सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। अल्फर सूस इज नोन एज फेनोमिनोलॉजिस्ट, फेनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजिस्ट। सो आंसर होगा डी। ठीक, अल्फर सूस वॉज अ फेनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजिस्ट, घटनात्मक समाजशास्त्री थे अल्फर सूस। ये याद रखिएगा, अल्फर्ड सूस जहां पे भी नाम आता है फेनोमेनोलॉजी उनसे जुड़ा हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है क्लास से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड, या जो भी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं उससे रिलेटेड जो भी क्लासेस और जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं, 10 तक पीवाईक्यू बहुत लेंदी हो जाएगा, 5 बहुत है, बाकी हम लोग तो बाद में करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, आपकी क्लास की टाइमिंग की जो है, जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूं, ये सॉल्व हो सकती है। आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम एक स्टूडेंट के लिए अगर क्लास की टाइमिंग चेंज करते हैं तो बाकी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से ऐसा नहीं किया जा सकता है। वैसे अगर आप इस पे बात करें, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाकी लोगों को नहीं प्रॉब्लम है दूसरी टाइमिंग में, तो हम लोग टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। आप इस पर मैसेज करके या बात करके देख लीजिए एक बार। लगभग हम लोग 18 थिंकर को कर चुके हैं, कल से हम लोग इंडियन थिंकर स्टार्ट करेंगे। नहीं, क्लिफर्ड गेज एक थिंकर हम लोग के बच्चे हुए हैं, उसके बाद हम लोग इंडियन थिंकर को स्टार्ट करेंगे। तो लगभग इस हफ्ते हम लोग, क्योंकि इंडियन थिंकर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 दिन में हो जाएगा, तो इस हफ्ते हम लोग इंडियन थिंकर को कंप्लीट करके अगले हफ्ते से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद की यूनिट्स जो हैं वो ऐसी नहीं है 4 दिन 5 दिन की, इतना टाइम नहीं लगेगा। यूनिट 1 में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और यूनिट 1 से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अबाउट 40-50% क्वेश्चन यूनिट 1 से ही पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, अबाउट 40-50% क्वेश्चन यूनिट 1 से ही पूछे जाते हैं। ठीक, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।